सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कहानी चल रही है, आपने देखा कि भाम को मोहिनी देवी की शक्ति प्राप्त हुई थी। मोहिनी देवी ने उन्हें एक नीलमणि प्रदान की थी जो भोजन, इच्छा और विभिन्न प्रकार की शक्तियों को देने वाली थी। इस बात से आकर्षित होकर के गुपचुप तरीके से उसके पास उसके उस आश्रम के गुरु परंपरा में जितने भी शिष्य थे वो चुप चुप के उनके पास आने लगे और अपनी अपनी बातें बताने लगे। उससे ये प्रार्थना वो करने लगे कि हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है। सबकी इच्छाओं को जान करके बड़ी खुशी खुशी के साथ में भाम उनकी इच्छा को पूरी करने का वादा करता, साथ ही अपनी नीलमणि शक्ति का प्रयोग करके उनकी सारी इच्छाएँ पूरी कर देता। इस शक्ति के कारण अब धीरे धीरे करके आश्रम व्यवस्था में खलल पड़ने लगा। सबके सब चुपके चुपके उसके पास जाते और अपनी इच्छा की पूर्ति करा लेते। यह बात गुरु को भी पता लगने लगी, लेकिन बेचारे वो भी भला क्या कर सकते थे, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था कि वो कुछ भी कर पाए। इस तरह से साधना के कई दिन बीतते चले गए। मोहिनी शक्ति के कारण गांव वाले भी वहां पर आकर इकट्ठा होने लगे, साथ ही उनके मवेशी भी आने लगे, क्योंकि सबके लिए भोजन, सबके लिए विभिन्न प्रकार के सामानों का प्रबंध भाम कर दिया करते थे। भाम की शक्ति बढ़ती जा रही थी और प्रसिद्धि भी बढ़ रही थी। इसी बात से बड़ी ही खतरनाक स्थिति पैदा होने लगी। सभी के सभी लोग बिना काम किए सब अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए रोज वहां लाइन लगा लगा करके खड़े होने लगे। इस प्रकार से गुरु को भी लगा कि कहीं मेरा भक्त यह व्यक्ति भटक ना जाए और साधना के पथ से डिग ना जाए। लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते थे, उनकी भी कोई सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन चूंकि यह तो परीक्षा थी और परीक्षा में कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य ही होता है जिसके कारण परीक्षा देनी पड़ती है। मोहिनी शक्ति से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट होकर के भाम ने सोचा कि अब तो उसे साधना करने की भी आवश्यकता नहीं रह गई है। लगता है इसी शक्ति के माध्यम से वह राजा तुल्य हो जाएगा और उनका प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा था। कई गांव के लोग वहां पर अपने मवेशियों के साथ आ गए थे। मवेशियों को भोजन अपनी इच्छानुसार नीलमणि प्रदान कर देती थी, जिससे उन्हें जानवरों को कहीं चरने नहीं जाना पड़ता था। क्योंकि उस क्षेत्र के सारे मवेशी और उनके जो मालिक थे सब वहाँ रहकर रहने लगे, तो आश्रम का क्षेत्र बहुत ही विस्तार हो गया और वहाँ बहुत ही जगह एक विशालकाय नगर जैसा लगने लगा। लेकिन चूंकि जीव जीव का भोजन है, इसी वजह से वहाँ जितने भी उस क्षेत्र में जंगल में शेर रहते थे वह सबके सब आकर के उस नगर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और अपने भोजन के लिए उन जानवरों को देखने लगे। और फिर वहीं से शुरू हुई वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सिंहों ने उन जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। लगातार शिकार करते चले जा रहे थे और इस प्रकार उस जगह, क्योंकि जहां भी धन संपदा वैभव संपन्नता आती है उस जगह आतंक भी अवश्य ही आता है, इसलिए वहां पर सिंह के कारण आतंक होने लगा। वहां बहुत सारे सिंह जो है इकट्ठा हो गए थे और वो शिकार करने के लिए आने लगे। इन जानवरों के कारण बड़ी स्थिति गंभीर होती चली गई। आए दिन सिंह हमला करके जानवरों को मार रहे थे, साथ ही साथ सिंहों के हमले के कारण धीरे धीरे मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ने लगा और वो उनको भी मारकर खाने लगे। वो सिंह इतने बलशाली होते चले जा रहे थे कि उनको रोकने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी। वहां लोगों ने उन्हें रोकने के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया,
कोई भाला तीर कमान लेकर उनका सामना करने जुटता तो कोई आग लगा देता। लेकिन अद्भुत नज़ारा ये बात का था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका किया गया कोई भी वार प्रकार वो रोक ले रहे हैं और उन्हें कोई भी क्षति नहीं हो रही और उनकी शक्तियां बढ़ती चली जा रही थी। माया का ऐसा आडंबर रचा गया जिसमें सिंहों की शक्तियां अद्भुत रूप से बढ़ती चली गईं और अब वो मनुष्यों को उठा उठा कर ले जाने लगे। इस बात से भयभीत होकर सभी लोगों ने एक बार फिर से भाम से प्रार्थना शुरू की। भाम से इसका हल पूछा गया। भाम को कुछ समझ में नहीं आया और भाम ने अपने गुरु से इस बारे में आज्ञा मांगी कि हे गुरुदेव, मुझे इसका कोई मार्ग बताइए कि किस प्रकार से मैं लोगों की इस समस्या को दूर कर सकूं। गुरु ने कहा, क्योंकि मोहिनी शक्ति के माध्यम से तुम्हें ये शक्ति प्राप्त हुई है तो मोहिनी देवी का ही आवाहन करो, वह तुम्हें अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताएंगी। इसलिए तुम आज जब साधना और पूजा संपन्न कर लेना, उसके बाद उनका ध्यान कर उन्हें पुकारने की कोशिश और चेष्टा करना और अपनी नीलमणि पर उस शक्ति का ध्यान लगाना। अपनी पूजा और उपासना उस दिन की रात को संपन्न करने के बाद वहां सोने से पहले एक बार फिर से भाम ने लोगों की चेष्टाओं को देखते हुए मोहिनी देवी का ध्यान किया। मोहिनी देवी वहां पर प्रकट हो गई। मोहिनी देवी ने कहा कि सुनो भाम, इस समस्या का कोई हल नहीं है, इसका हल बड़ा ही कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? तो भाम ने कहा, मैं अवश्य ही करने की कोशिश करूंगा, मेरी यह चेष्टा रहेगी कि अवश्य ही मैं यह कार्य संपन्न कर पाऊं। ऐसा कह करके मोहिनी देवी को उसने संतुष्ट किया। मोहिनी देवी ने कहा, तुम गोपनीय तरीके से सरोवर से जल लेकर आओ और उसमें नीलमणि को डाल दो और उस नीलमणि को जब सिंह हमला करें तो उनकी तरफ फेंक देना। नीलमणि उनके शरीर से जैसे ही छुएगी, वह सारे के सारे जितने भी सिंह हैं उन सब का हृदय परिवर्तन कर देगी और वो सभी जंगल की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही नीलमणि उनके शरीरों से छुएगी, हमेशा के लिए नीलमणि गायब हो जाएगी। सोच लो, इसके माध्यम से तुम हमेशा के लिए नीलमणि को खोल दोगे। ऐसी अवस्था में अब भाम के लिए बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो चुकी थी। भाम ने अपने गुरु से पूछा, अपने मित्र साथियों से पूछा, उन सभी का सब बातें सुनता रहा और मन में एक भयंकर कौतूहल था कि इतनी प्यारी नीलमणि वो किस प्रकार से गंवा दे जो उसे इतनी अधिक शक्तियां और सामर्थ्य प्रदान कर रही है। मन में उसे बार बार इस बात का विचार आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना है, कुछ तो ऐसा करना होगा, क्या वो अपनी नीलमणि को गंवा दे या फिर यह स्थान छोड़कर भागकर चला जाए और हमेशा के लिए अपने पास इस नीलमणि को रखे रहे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। पूरा दिन वो इसी उधेड़ बुन में विचार करता रहा। अंतोगत्वा एक बार फिर से वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से प्रार्थना की, गुरुजी, क्या मैं अपनी इस नीलमणि की बलि दे दूं, जबकि मैं जानता हूं कि मुझे ऐसी मणि कभी प्राप्त नहीं होगी, आप कुछ तो बताइए, कोई मार्ग बताइए। गुरु ने कहा, जीवन ऐसा ही है पुत्र, कि कुछ देकर ही कुछ प्राप्त होता है, इसलिए आप तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन में सब कुछ अपने लिए ही करना उपयुक्त नहीं होता है, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीवन को समर्पित रखना चाहिए। उसकी बात को ध्यानपूर्वक रखे दिन को बहुत ही पसीजते हुए बहुत ही दुख भरे मन से उसने यह निर्णय लिया कि वह जाएगा और सरोवर से जल भरकर मटके में लाएगा और उसमें नीलमणि रखेगा। उसने अगले दिन वो वहाँ गया और जब वह उसे लेकर आ रहा था तो उसे मन में इतना अधिक दुख हुआ कि वह रोने लगा और रोते रोते उस नीलमणि को उस पानी में डाला। सिंहों का हमला जैसे ही शुरू हुआ, उसने रोते रोते उनकी तरफ वह पानी उछाल दिया। दिव्य शक्ति से संपन्न नीलमणि
जाकर के तुरंत ही उन सिंहों के शरीर से चिपक गई। जैसे ही एक सिंह के शरीर से वह चिपकी, उसका असर सभी सिंहों पर हो गया। सभी का हृदय परिवर्तन हो गया। सिंह अचानक से ही शांत हो गए और सब के सब जंगल की ओर लौटने लगे। इसी के साथ ही बस मणि हमेशा के लिए गायब हो गई। और रात्रि के वक्त जब वो साधना करने बैठा तो रोते रोते साधना कर रहा था। जब उसकी साधना उस दिन की संपन्न हुई, तभी वहां पर एक महान शक्ति और प्रकट हुई और उसने तुरंत ही उसे दर्शन देते हुए कहा, मेरा नाम क्रोधिनी है, कहो तो सभी कुछ भस्म कर दूं, कहो तो सब कुछ नष्ट कर दूं, तू क्यों रोता है? तू यह नहीं जानता कि जिस मोह के में तू नीलमणि के पड़ गया है, वह एक माया है और माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया इच्छा से उत्पन्न होती है और जब इच्छा ही नहीं हो तभी तो सिद्धि प्राप्त होती है। तू तो इच्छा में फंस गया, अगर ऐसा ही रहा तो तू अपनी साधना को कैसे पूरा कर पाएगा? और उसे समझाने लगी। सारी बात को समझ करके अब पहली बार उसकी आंखें खुली और भाम को लगा, यह तो मेरी परीक्षा मात्र थी, वरना इतनी बड़ी माया कहाँ से रची होती? किस प्रकार से सारी शक्तियाँ देने वाली नीलमणि ने ऐसी माया रची कि आखिर वो मेरी शक्ति मेरे हाथ से निकल ही गई। लेकिन अच्छा है कि मैं अपनी इस परीक्षा में असफल नहीं हुआ। अगर मैं उस नीलमणि को नहीं त्यागता तो निश्चित रूप से मेरी सिद्धि कभी मुझे प्राप्त नहीं होती और मुझे साधना का फल भी नहीं प्राप्त होता और मेरी साधना यहीं पर रुक जाती और कभी ना कभी इस नीलमणि को कोई ना कोई तो छीन ही लेता मुझसे और इस प्रकार से सब कुछ मेरा नष्ट हो जाता। इस बात को समझते हुए उसने अपने गुरु को धन्यवाद कहा और कहा कि मैं एक बार फिर से अगली परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस बार मेरे शरीर में देवी क्रोधिनी का प्रवेश हो गया है। गुरु ने तुरंत ही उसे चेताया कि अब की बार तुम्हें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। संसार में क्रोध से खतरनाक कुछ भी नहीं है। अधिकतर क्रोध मन को नष्ट कर देता है। मन के नष्ट हो जाने पर आदमी विचार शून्य हो जाता है। विचार शून्यता होने पर वह कोई भी निर्णय अति जल्दी बहुत ही तीव्रता से ले लेता है और दूसरे के साथ अपना भी नुकसान कर बैठता है। इस बात को समझते हुए तुम्हें क्रोधिनी देवी के वेग को सहन करना होगा। जिस प्रकार मोहिनी देवी ने तुम्हारे मन को अत्यधिक भरमा दिया था और तुम अपने अश्रु नहीं रोक पा रहे थे, लगातार रोते जा रहे थे, इसी प्रकार अब अपने क्रोध को अपने वश में करने की पूरी शक्ति लगा देना, क्योंकि अब क्रोधिनी देवी आपका परीक्षा लेंगी। क्रोधिनी देवी की शक्ति के कारण अब तुम किसी का भी नुकसान कर सकते हो, याद रखना। इसलिए अपने क्रोध को वश में करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्रोधिनी देवी के कारण अब भाम के अंदर अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो चुका था। भाम को ऐसा लगता था कि वो जो भी करेगा उसे रोकने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। और तभी उस नगर के राजा का वहां आगमन होता है। राजा जैसे ही उसके पास आता है, क्रोधिनी के प्रभाव के कारण जिस स्थान पर भाम बैठा होता है वह उठता तक नहीं है और इस वजह से सामने से राजा जब वहां आता है तो उसे इस बात का अपमान महसूस होता है कि सारे स्वयं गुरु भी उठा लेकिन यह एक क्यों नहीं उठा। वो क्रोध से उसके गुरु को कहता है, क्या मैं इसे मृत्युदंड की सजा दे दूं? तो उसका गुरु उसे समझाता है कि महाराज, मेरी पहले बात तो सुनिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके लिए भी भयंकर हो सकता है। राजा गुस्से से कहता है, एक राजा को रोकने की सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति में नहीं होती है और अब मेरा निर्णय है कि मैं इसे जरूर ही दंड दूं। और ऐसा कहकर वो भाम की ओर बढ़ता है। आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।